एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीए के, तो सारी बातें ध्यान से देखनी है। स्टार्ट करते हैं बच्चों डिस्कशन। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन क्या है? ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्लियर है? तो डेल्टा एक्स की वैल्यू बच्चों किसके बराबर है? लैम्डा के बराबर है। तो क्या पूछ रहा है? द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, मिनिमम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितना होगा? तो देखो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4πm, ये होना चाहिए। बोलो यही होता है क्या? है कि नहीं? डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या रखना भाई? लैम्डा रखना है। डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4πm। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ गई भाई? डेल्टा वी की वैल्यू आ गई एच अपॉन 4πm लैम्डा। यही आ गया क्या? अब बच्चों लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? लैम्डा की वैल्यू होती है एच अपॉन एम वी, है कि नहीं? डी ब्रोगली इक्वेशन से हम रिलेट कर सकते हैं। तो पुट कर दो बच्चों, डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4πm इंटू लैम्डा की वैल्यू एच अपॉन एम वी। क्लियर है? एम से एम चला गया, एच से एच चला गया, तो डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी अपॉन 4πm। तो आंसर क्या आएगा? मिनिमम अनसर्टेनिटी कितनी होनी चाहिए? v अपॉन 4πm होना चाहिए। क्या होना चाहिए? v अपॉन 4πm। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन है नंबर ऑफ फोटॉन्स हैविंग वेवलेंथ है ना 632.8 नैनोमीटर होना चाहिए एमिटेड बाय 5 मिलीवॉट लेजर सोर्स इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। क्लियर है? तो देखो पावर की वैल्यू, पावर क्या होता है बेटा? एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्लियर है? पावर की वैल्यू क्या है? ध्यान से देखो, पावर की वैल्यू है 5 × 10⁻³। क्लियर है? हाँ, एनर्जी, एनर्जी देखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स, एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एससी बाय लैम्डा। एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है भाई? एससी बाय लैम्डा। क्लियर है? तो एससी बाय लैम्डा अपॉन पर यूनिट टाइम। क्लियर है? इन 1 सेकेंड पूछ रहा है, कितना टाइम रखना है आपको? 1 सेकेंड रखना है। क्लियर है? तो टोटल रेडिएशन की एनर्जी कितनी गिर रही है? एक फोटोन की एनर्जी इंटू कितने फोटोन गिर रहे हैं पर सेकेंड, है कि नहीं? बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये आ गया 5 × 10⁻³। हाँ भाई, अब देखो ये एस सी बाय लैम्डा की वैल्यू यदि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना, तो ये क्या होता है? 1242 डिवाइड बाय 632.8। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। किस में आएगी बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन ये यहाँ पे ऐसा यूनिट चल रही है, इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻¹। यहां से एन की वैल्यू हो जाएगी भाई, एन की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ रही है बच्चों? ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। फाइव इंटू 632.8 डिवाइड बाय 1242 डिवाइड बाय 1.6। क्लियर है? ये आ गया बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर, देखो ध्यान से, 10 की पावर ये आ जाएगा 16, 10 की पावर 16, ये आ गया है। क्लियर है? इसे नैनोमीटर कन्वर्ट कर लेना, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो पावर क्या होता है? कितना रेडिएशन गिर रही है पर सेकेंड, कितना रेडिएशन एनर्जी गिर रही है रेडिएशन की पर सेकेंड। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन है, इन अ सैंपल ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स मेक ट्रांजिशन फ्रॉम एन इक्वल टू 2 टू एन इक्वल टू 1, एमिटेड क्वांटा स्ट्राइक्स अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन दिस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रॉन है उसकी आपको क्या पता करना है? किसकी वेवलेंथ पता करना है भाई? किसकी वेवलेंथ पता करना है? इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है? तो देखो क्या एनर्जी फोटोन लेके आ रहा है, फोटोन की एनर्जी देखो क्या होगा बेसिकली क्वेश्चन में, हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू 2 से एन इक्वल टू 1 पे आ रहा है। क्लियर है? ध्यान से देखना, डेल्टा ई जो, अब क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल आता है तो रेडिएशन एमिट करता है इन फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना? बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से एक फोटोन एमिट होगा, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होगा? एस सी बाय लैम्डा, और उसकी वैल्यू क्या होती है? 13.6 Z square। क्लियर है? 1/N1² - 1/N2² आप जानते हो यार, देखो यहाँ हाइड्रोजन एटम है, 1 पुट कर दोगे 13.6 × 1² लोअर एनर्जी लेवल क्या बेटा? 1/1² - 1/4। क्लियर है? आप जानते हो यार ये एनर्जी लेवल क्या होता है, -13.6 होता है और ये -3.4 होता है, ये एनर्जी गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो एक फोटोन कितनी एनर्जी लेके आ रहा है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आ रहा है। कितना लेके आ रहा है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आ रहा है।
है ना, इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी, वर्क फंक्शन के बराबर 4.2। क्लियर है, कितना लगेगी 4.2 लगेगी, प्लस ध्यान से देखो काइनेटिक एनर्जी, बाकी जो एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में यूज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी जाएगी, 10.2 में से 4.2 माइनस कर दूं तो कितनी आ जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी जाएगी भाई, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, आपसे क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, रेडिएशन की वेवलेंथ नहीं पूछ रहा, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, मतलब डी ब्रोगली से रिलेट करा रहा है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है भाई, एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, वेवलेंथ आपको एंगस्ट्रॉम में निकालना है, ये फॉर्मूला होता है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। क्लियर है, देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखो आप क्या करो, एक और फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम होता है अंडर रूट 150 बाय वी। ये वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस को आप इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर सकते हो, क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, क्यू इंटू वी। इस पोटेंशियल डिफरेंस से, इस पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, एक्सेलरेट हो रहा होगा। क्लियर है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बेटा, ई होता है, तो ये ई से ई चला गया, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई 6। कितनी आ गई, 6। क्लियर है बात, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट से वो एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा, 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा इतना काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर है, तो ई से ई चला गया भाई, इसको जूल में कन्वर्ट करते तो 1.6 × 10⁻¹⁹ ही रखते ना, और यहां चार्ज रखते तो वो भी 1.6 × 10⁻¹⁹, वो कैंसिल आउट हो गया। क्लियर, तो यहां 6 पुट कर दो बेटा, अंडर रूट 150 डिवाइड बाय 6 कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, अंडर रूट ऑफ 6 टू द 12 25, रूट 25 दैट इज 5 एंगस्ट्रॉम, कितना जाएगा आंसर, 5 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल आया, और जो फोटोन एमिट हुआ वो फोटोन क्या करा, इलेक्ट्रॉन निकालने के काम आया, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए थी, और बची हुई एनर्जी इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लगी, और वो काइनेटिक एनर्जी को आप पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट कर सकते हो क्यू इंटू वी से, मैंने वहां से रिलेट किया, और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का फॉर्मूला ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में। क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चन जाएगा। द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, बाल्मर सीरीज में देखो डेल्टा ई क्या होता है, एससी बाय लैम्डा होता है। क्लियर है, जिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में डेल्टा ई मैक्सिमम होगा वेवलेंथ मिनिमम होगी, तो डेल्टा ई मैक्सिमम कब होगा बताओ, जब ट्रांजिशन कहां से कहां हो, इन्फिनिटी से लेके बाल्मर सीरीज के लिए पूछ रहा है, कौन सा ट्रांजिशन, एन इक्वल टू 2 वाला ट्रांजिशन। क्लियर, यहां पे एनर्जी क्या होती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, कितनी होती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू क्या जाएगी बेटा, लैम्डा मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी, कितना गैप आएगा बताओ, ये इन्फिनाइट पे तो एनर्जी जीरो, तो ये डिफरेंस कितने का आएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आएगा, कितने का आएगा, 3.4 का, तो लैम्डा मिनिमम कितना हो जाएगा, एससी अपॉन 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, यूनिट का टेंसर मतलब वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो निकालना है। क्लियर है, अच्छा ये बताओ बच्चों, मैक्सिमम वेवलेंथ कब आएगी, जब डेल्टा ई मिनिमम होगा, डेल्टा ई मिनिमम किसके लिए होगा बताओ, एन इक्वल टू 2 से एन इक्वल टू 3 वाले ट्रांजिशन के लिए। क्लियर है, तो ये कितना है, -1.51, 3.4 में से आप माइनस कर दो 1.51। क्लियर है, तो ये डिफरेंस कितने का है बेटा, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कितने का है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो लैम्डा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, लैम्डा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ये ऐसा मत करो है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहा हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, ध्यान से देखो है ना, डेल्टा ई मैक्स कितना हो सकता है, 13.6 हाइड्रोजन के लिए जेड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। क्लियर है ना, इज इक्वल टू क्या लिख दोगे आप, एससी बाय लैम्डा मिनिमम है ना, और 1 अपॉन लोअर एनर्जी लेवल क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस हायर एनर्जी लेवल इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो कितना आ गया है, 13.6 डिवाइड बाय 4 ये वैल्यू आ गई। क्लियर है, तो लैम्डा मिनिमम क्या आ गया बच्चों, लैम्डा मिनिमम आ गया एससी बाय है ना 13.6 डिवाइड बाय 4। क्लियर है, लैम्डा मैक्स कैसे निकालोगे, जब डेल्टा ई क्या हो, मिनिमम हो, लैम्डा मैक्स वो ट्रांजिशन क्या होगा, डेल्टा ई मिनिमम कब होगा, जब ट्रांजिशन सबसे छोटा ट्रांजिशन कौन सा होगा, 3 से 2 वाला है कि नहीं, तो बताओ क्या हो जाएगा, 13.6 इंटू ध्यान से देखो इंटू 1 का स्क्वायर, हाँ लोअर एनर्जी लेवल 2 और हायर एनर्जी लेवल 3 का स्क्वायर, क्या आ गया भाई ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या आ गई, एससी बाय ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दैट इज 5, 13.6 इंटू 5
डिवाइड बाय 4 इंटू 9, ये आ गया लैम्डा मैक्स। आपको लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्स के बीच में रिलेशन निकालना है, तो सॉरी रेशो निकालना है। तो लैम्डा मिनिमम अपॉन लैम्डा मैक्स कर दो आप, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4SC अपॉन 13.6, क्लियर है, इंटू SC है कि नहीं, और ये चला जाएगा ऊपर 13.6, हाँ भाई क्या चला जाएगा, ये नीचे SC और 13.6 इंटू 5 ऊपर चला जाएगा, और क्या बचेगा भाई, क्या बचेगा 13.6 इंटू 5 और ये चला गया नीचे ऊपर 36, है ना, नीचे ऊपर चला गया 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36, क्लियर है। तो ये SC से SC चला गया, 13.6 से 13.6 चला गया, तो ये रेशो कितना आ गया भाई, 5/9 आ गया, कितना आ गया, 4 9s, तो क्या आ गया भाई, 5/9, क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, A फॉर आगरा, क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस A नॉट, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है ना, उसका एक्चुअल टर्म क्या लिखा हुआ था, लेकिन मैं समझ गया, A नॉट बेसिकली क्या होता है, A नॉट होता है आपका 0.529 एंगस्ट्रॉम, है ना, जब रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, ये एंगस्ट्रॉम में फॉर्मूला आता है रेडियस का। जब एन की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, जेड की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, तो इस वैल्यू को क्या बोल दिया गया, ए नॉट बोल दिया गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, लिथियम 2+ Al है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम में, है ना, 0.529 एन स्क्वायर, कौन सा सेकंड ऑर्बिट बेटा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 अपॉन लिथियम के लिए जेड की वैल्यू 3, क्या 3, तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम को तो क्या रख सकते हैं, ए नॉट इनटू 4/3, तो 4+3 का सम करोगे तो बच्चों क्या जाएगी वैल्यू, 7, क्या जाएगी, 7, क्लियर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, इजिली हो सकते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन मेंस में आते हैं, क्लियर है। इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज एक्स, फर्स्ट बोर ऑर्बिट की हाइड्रोजन एटम की रेडियस एक्स, वही क्या रेडियस इन एंगस्ट्रॉम, वही 0.529 इनटू, बताओ फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एन स्क्वायर की वैल्यू 1, क्लियर, और हाइड्रोजन आइटम है 1, तो बताओ ये वैल्यू क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। देन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स थर्ड ऑर्बिट में डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, अरे तुम्हें ये रिलेशन याद है कि नहीं, 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा, याद है जब हम पढ़ते थे, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ वेव बनाएगा, उस ऑर्बिट का नंबर, जैसे एन इक्वल टू 4 ऑर्बिट है तो कितनी वेव बनाएगा, एक वेव, ये हो गई 2 वेव, 3 वेव, देन 4 वेव, ऐसी 4 वेव बनाएगा, क्लियर है। तो ये एन क्या होता है, ऑर्बिट नंबर, क्लियर है बच्चों। तो क्या पूछ रहा है आपसे कि देन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, एन की वैल्यू 3 पुट कर देना पहली बात, तो है ना। अब देखो ध्यान से, अब क्या बोल रहा हूँ, 2π रेडियस क्या हो जाएगी बेटा थर्ड ऑर्बिट की रेडियस हो जाएगी 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर, और कौन सा एटम बताओ, हाइड्रोजन एटम, एन स्क्वायर बाय जेड, और 0.529 की वैल्यू क्या है, x, 2πx इंटू 9 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, तो क्या आ गया बेटा, 6πx आ गया, क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू 6πx। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इस रिलेशन में काफी क्वेश्चन पूछे हैं एनटीए ने, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, 6πx, आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, क्लियर है पॉइंट। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन लिथियम 2+ इज फाउंड टू बी 14h/11, क्लियर है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है। आपको पता है भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्या होता है, 2 times ऑफ टोटल एनर्जी होता है, और टोटल एनर्जी क्या होती है भाई, टोटल एनर्जी होती है -2 × 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब क्या देखे रखा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ लिथियम प्लस 2+, तो बताओ एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है बताओ, एनएच अपॉन 2π, यही होती है क्या, क्या होती है एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, एनएच अपॉन 2π, क्लियर है। तो आपको यहां से रिलेट कर पा रहे हो, ये 11 वैल्यू दे के रखी है ना, पाई की वैल्यू यदि मैं 22/7 रख दूं, तो क्या हो जाएगा, 2 × 22/7, क्लियर है। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, है ना, तो क्या रिलेशन आ गया, यहां से ध्यान से देखना, रिलेट कर लेंगे अपन, है ना, तो ये आ जाएगा 7 NH अपॉन 44, ये आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, ये होता है, अब रिलेट कर लो,
एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू क्या रही होगी भाई, यहाँ से नीचे 11 बचना चाहिए, तो क्या रही होगी एन की वैल्यू, ध्यान से देखो, रिलेट कर लूँ मैं 14h/11 से, क्लियर है, एच से एच गया है ना, 11 4 14, 7 2 14, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, एन की वैल्यू क्या आ गई भाई, 8 आ गई, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो मैंने देखो 11 देखा तो मेरे को स्ट्राइक कर गया, ये पाई की वैल्यू इन्होंने 22/7 रख दिया, क्लियर है, एन की वैल्यू 8 आ गई, तो रख दो, क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, -2 × 13.6, कौन सा है, लिथियम है, दैट इज 3/8 का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैलकटा, सी फॉर कैलकटा, क्लियर है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज करेक्ट फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना, क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, देखो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे क्या होती है, इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है, आई मैक्सिमम आता है ना, मतलब बेसिकली एनर्जी मैक्सिमम आएगी। अब क्या करते हो, देखो एक रिलेशन होता है, लैम्डा इंटू टी का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होता है, क्लियर है, तो देखो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे क्या होता है, ध्यान से देखो, इस ग्राफ से मैं दिखाऊं तो क्या होता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है, है ना, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉडी का, तो जिस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है, तो उस वेवलेंथ की वैल्यू क्या होना चाहिए, टेम्परेचर के साथ कम होना चाहिए, क्लियर है। यहाँ पे देखो पीक क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर ही आ रहा है, क्लियर है, तो ये ग्राफ हो नहीं सकता, है ना, T1, T2, T3, T4 का, क्लियर है, T1, T2, T3, T4 का ग्राफ सेम नहीं हो सकता, क्लियर, उसने एक ही ग्राफ दिखा दिया, तो कौन सा ग्राफ होगा बच्चों, कौन सा ग्राफ होगा, ये ग्राफ भी नहीं हो सकता, ये तो पढ़ा जाता है ग्राफ, है ना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पीक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, है ना, मतलब लैम्डा की वैल्यू कम होते जा रही है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, लैम्डा की वैल्यू कम होती जा रही है, मतलब ये वो लैम्डा जिस पे इंटेंसिटी क्या थी, मैक्सिमम थी, आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, क्लियर है, बात समझ में आ गई। चल, फॉर एन इलेक्ट्रॉन हुज पोजीशन, ठीक है, पोजिशनल अनसर्टेनिटी इज 1 × 10⁻¹⁰, द अनसर्टेनिटी इन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो बताओ क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4πm, क्लियर है, मीटर पर सेकंड पे अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी पूछा है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 10⁻¹⁰ है, डेल्टा वी निकालना है 6.626 × 10⁻³⁴ अपौन 4 × 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 × 10⁻³⁰, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, तो क्या वैल्यू आ रही है सॉल्व कर लेते हैं, है कि नहीं, क्या वैल्यू आ रही है भाई साहब, ये आ रही है 6.626 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3.14 डिवाइड बाय 9.1, क्लियर है, और ये आ रहा है लगभग डेल्टा वी की वैल्यू आ रही है 5.8, है ना, 5.8 × 10⁻², ये बन गया × 10⁻³⁴ अपॉन 10⁻³⁰ × 10⁻¹⁰, तो कितना आ गया नीचे 41 बना, क्लियर है, ये 41 बन गया और ऊपर 36 है, तो 5, है ना, 5 × 10⁵ बन जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर आगरा, क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हाइड्रोजन एटम में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कौन सी ऑर्बिट की होती है, एन इक्वल टू वन की होती है, लेकिन याद रखना जो बोर्स का जो कंसेप्ट है यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए रहता है, क्लियर है, अब लेकिन इसने हमें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के इसलिए वैलिड रहता है क्योंकि वहां पे कोई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन प्रेजेंट नहीं रहते, क्लियर है, तो बोहर का जो मॉडल था वो यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए था। द टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ हाइपोथेटिकल हीलियम एटम, एक हाइपोथेटिकल हीलियम एटम लिया गया लेकिन यह अज्यूम किया गया कि वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन प्रेजेंट नहीं है ना ही कोई इंटरेक्शन प्रेजेंट है, तो उसने बोला तब टोटल एनर्जी क्या होगी इस हाइपोथेटिकल एटम की, तो बताओ दो इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो जाएगी, -2 × 13.6 जेड की वैल्यू, बच्चों जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी हीलियम के लिए 2² / 1², तो कितना हो गया -13.6 × 8 कर दो आप, -13.6 × 8 कर दो, क्या वैल्यू आ रही है चेक कर लेते हैं, 13.6 × 8 ये आ रही है -1008.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू आ रही है भाई कैलकटा, क्लियर है फंडा। क्वेश्चन है द वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल इज लिस्टेड बिलो, द नंबर ऑफ मेटल विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ 300 नैनोमीटर, तो भाई जो
फोटोन गिर रहा है उसकी जो एनर्जी है वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए तभी तो इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, तो उस फोटोन की एनर्जी क्या होगी भाई? डेल्टा ई कैसे निकालते हैं? 1242 डिवाइड बाय 300। क्लियर है? इसकी वैल्यू निकालो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। क्या वैल्यू आ रही है चेक कर लें, क्या वैल्यू आ रही है? 1242 डिवाइड बाय 300, ये वैल्यू आ रही बेटा 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिन जिनका वर्क फंक्शन इससे कम है वही इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा निकाल देगा निकाल देगा, ये नहीं निकाल पाएगा, ये नहीं निकाल पाएगा, ये नहीं निकाल पाएगा, ये नहीं, ये नहीं। आंसर क्या? 4। वर्क फंक्शन की वैल्यू कम होना चाहिए ना, पता चले इलेक्ट्रॉन को निकाल ही ना पाए। समझ रहा हूँ मेरी बात? क्लियर फंडा। क्वेश्चन है द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन डी एक्स बाय ऑर्बिटल। डी एक्स बाय ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने के चांसेस कहाँ हैं? एक्स बाय प्लेन में, है ना, एक्स बाय प्लेन में, और अलॉन्ग द एक्सिस पॉसिबल नहीं है, अलॉन्ग द एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट नहीं रहती। एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस, हाँ 45 डिग्री में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस हैं, तो ये ऑप्शन तो हो सकता है। एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस, एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है, या जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैलकटा। क्लियर है बच्चों? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज दैट हैज अ वेवलेंथ डिफरेंस ऑफ 59.3 नैनोमीटर बिटवीन फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर एंड फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज, तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज दैट हैज अ वेवलेंथ डिफरेंस ऑफ 59.3 नैनोमीटर बिटवीन फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, लाइमन की फर्स्ट लाइन कौन सी होगी भाई? 3 से 2 वाली, और फर्स्ट लाइन ऑफ किसकी? बाल्मर की फर्स्ट लाइन होगी 3 से 2 वाली, और इसकी कौन सी होगी? 2 से 1। तो इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग इसकी एक वेवलेंथ आएगी, इसकी एक वेवलेंथ आएगी, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वेवलेंथ का वो क्या है? 59.3 नैनोमीटर है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू क्या आएगी? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, है ना, आपसे क्या पूछ रहा है? एटॉमिक नंबर पूछ रहा है, आर जेड स्क्वायर। ऐसा करो इसको, है ना, पहले एनर्जी निकाल लो, ठीक है एनर्जी निकाल लो आप। यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू क्या आएगी भाई? यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू आएगी 13.6 जेड स्क्वायर 1/4 माइनस 1/9। कितना आ गया भाई? 13.6 जेड स्क्वायर क्या जाएगा? यह आ जाएगा 5/36। यहाँ पे जो डेल्टा ई की वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आएगी, ध्यान से देखना, यह आ जाएगी 13.6 जेड स्क्वायर। क्लियर है? और क्या आ जाएगी? ट्रांजिशन क्या है? 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4, क्या जाएगा? 13.6 जेड स्क्वायर, और ये आ जाएगा भाई 3/4। क्लियर है? ये डेल्टा ई आ गया। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ आएगी वो क्या आएगी? वेवलेंथ डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1242 अपॉन, ध्यान से देखो, 1242 अपॉन वेवलेंथ इन नैनोमीटर। क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे वेवलेंथ इन नैनोमीटर कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 1242 डिवाइड बाय डेल्टा ई 13.6 जेड स्क्वायर, है ना, इंटू 5 और इंटू 36 इंटू 36, ये जेड स्क्वायर है। क्लियर है? तो ये नैनोमीटर में आ रहा बच्चे, है ना, और यहाँ पे वेवलेंथ इन नैनोमीटर कितनी आ जाएगी? 1242 डिवाइड बाय 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 3/4। इनके बीच में डिफरेंस कितना है बेटा? ये नैनोमीटर में, ये भी क्या है? नैनोमीटर में। इनके बीच में डिफरेंस क्या दे के रखा है आपको? 59.3 दे के रखा है, है ना। तो 59.3 की वैल्यू क्या होगी? इनके बीच का डिफरेंस, तो कॉमन निकाल लो आप, क्या क्या आ रहा है? 1242 अपॉन 13.6 जेड स्क्वायर। क्लियर है? और क्या बच रहा है यहाँ पे? 36/5 माइनस 4/3, ये जेड निकालना है आपको, ये जेड स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं, है कि नहीं? आर एच की वैल्यू का यूज़ करके क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आर एच की वैल्यू की जरूरत नहीं है अपने को। तो क्या आ रहा है ध्यान से देखो, Z की वैल्यू 1242, ठीक है, पहले तो देखो 36 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 4, ये आ गया 88 इंटू 1242, ठीक है, डिवाइड बाय 13.6 डिवाइड बाय आपका क्या हो जाएगा? 15 डिवाइड बाय 59.3। तो Z स्क्वायर की वैल्यू आ रही है भाई 9, Z स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? 9, तो Z की वैल्यू हो जाएगी 3, क्या हो जाएगी? 3। इतना ज़्यादा कैलकुलेशन उन्होंने दे रखा है एग्जाम में, इतना ज़्यादा एक्चुअल एग्जाम में इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या करा, फर्स्ट लाइन के करस्पॉन्डिंग डेल्टा ई निकाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वहाँ से वेवलेंथ नैनोमीटर से कनेक्ट हो जाती है, 1242 अपॉन वेवलेंथ इन नैनोमीटर।
इसलिए फर्स्ट लाइन यहाँ पे लाइमन की 2 से 1 थी, तो उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा ई निकाला, डेल्टा ई निकाल के वेवलेंथ नैनोमीटर निकाला, दोनों के डिफरेंस को बराबर कर दिया, ये जेड और बेटा ये 2 है ना, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्लियर। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन 4πr² ψ² इज आर करेक्ट। तो देखो सबके ग्राफ पहली बात ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, क्लियर है, और कितनी बार कट करेंगे ओरिजिन के बाद, कितनी बार कट करेंगे जितनी रेडियल नोड है एन माइनस एल माइनस वन के बराबर, तो देख लेते हैं है ना। और जो पीक है वो इंक्रीज होता है, तो ये ग्राफ तो पहले अलग कर दो, पीक हमेशा इंक्रीज होता है, क्लियर है। तो 1s का 1s में कितनी रेडियल नोड आती है, देखो n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, तो एक भी रेडियल नोड नहीं है, एक भी बार कट नहीं करेगा, पहला ग्राफ बिल्कुल सही है, सेकंड इनकरेक्ट है। 3s बेटा, 3s ध्यान से देखो, 3s का ग्राफ रेडियल नोड कितनी आएगी, 3 - 0 - 1, दो बार कट करना चाहिए, दो बार कट किया है, ये ग्राफ भी बिल्कुल सही है, क्लियर है। अब देखो ये ग्राफ तो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है और हाइट हमेशा इंक्रीज होती है, तो आंसर क्या हो गया, सी फॉर कैलकटा, क्लियर। सारे ग्राफ RPDF के ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, पीक इंक्रीज होगा और कितनी बार कट करेंगे ओरिजिन के बाद, रेडियल नोड के बराबर, क्लियर। क्वेश्चन है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2 इज 240 किलो जूल पर मोल, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटोन दैट कैन ब्रेक दिस बॉन्ड, है ना, ये एक मोल Cl2 को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो एक Cl2 को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 240 × 1000 है कि नहीं, डिवाइड बाय, ये इतनी एनर्जी किसके लिए चाहिए, एक मोल Cl2 को, तो एक Cl2 को तोड़ने के लिए बताओ 6 × 10³ एनर्जी चाहिए, क्लियर है बात, है ना। तो ये क्या करेगा इस बॉन्ड को, फोटोन तोड़ेगा, फोटोन एनर्जी लेके आ रहा है, वो प्रोवाइड करेगा एनर्जी और तोड़ देगा बॉन्ड को, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है बेटा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या हो जाएगी, SC/λ कर दो आप, (3 × 10⁸) अपॉन लैम्डा, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, क्या आ रही है वैल्यू चेक कर लो क्या वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखो 6.6 × 3 × 6 divided by 240 0.495, अब 10⁵ और चेक कर लेते हैं, है कि नहीं, 10⁰ 23 + 8 = 31, 10⁻³ है ना, ÷1000, ये आ जाएगा वेवलेंथ, तो कितना आ रहा है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो 4.95, और ये हो जाएगा 10⁻⁷ मीटर, 10⁻⁷ मीटर, ये वेवलेंथ हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, A फॉर आगरा, क्लियर है बात। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया हमारा डिस्कशन एटॉमिक स्ट्रक्चर का, क्लियर, सारी बातें देख लेना, प्रॉपर रिवाइज कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम बच्चों, टाटा बाय बाय।